never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. YouTube फैमिली, आई होप कि सारे अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज ब्लॉग में मेरी रेसिपी आपके साथ होगी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है जिसका नाम है वाइट चिकन कोरमा। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी ट्राई करनी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी ना स्किप किए देखें और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसे बनाने में। मैंने फटाफट बनाया था, बस सुजैन की जिद थी मेरी बेटी की, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में बनाया था, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं बता पाई। बट जितना भी बताया ना बहुत ही ख़ास बनाया, बनी थी बहुत ही अच्छी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ये रेसिपी की वीडियो शूट की और आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पता है क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलते हैं, अपने किचन में आपको लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कि वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी कैसे बनती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिए हैं और ये दही मैंने 100 ग्राम लिए हैं और काजू का पेस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया और ये प्याज का पेस्ट। हमें इन्हें बिल्कुल भी फ्राई व्राई नहीं करना है और बिल्कुल ऐसे ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और इस तरह से हमारी प्रिपरेशन होगी। तो सबसे पहले चिकन को मैंने नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिला लिया, मिक्स कर लिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैरिनेट करके मैं रख सकूँ दही के साथ, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें नींबू का रस यानी कि लेमन जूस डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसे एक पैन में ऑयल गर्म करूँगी और फिर उसमें ड्राई मसाले डालूंगी, जैसे ग्रीन कार्डमम यानी इलायची और लौंग और कुछ दाने दालचीनी के। और ये मैं चिकन को इसमें अब फ्राई कर ले रही हूँ और इसे अच्छे से स्टर करना है। ये देख सकते हो आप, जितने सारे चिकन थे मैंने लेमन जूस मिला कर रखा था और अब इसे फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल तेल में ये जो इसका जो पानी होता है। अब इस स्टेज में हम लोगों को डालना है यहाँ पे कर्ड यानी कि दही। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो दही लेकर रखा था वो ठीक दही थी, बहुत ही गाढ़ी दही थी, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और इसी में इसे पकने देना है हमें, ताकि इसका जो जूस है ना बिल्कुल जो कर्ड और चिकन का जो जूस है वो आपस में मिक्स हो जाए, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ हमें इसे अच्छे से पकने देना है, फ्राई नहीं करना है हमें, बस इसे पकने देना है। एक और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म किया है, डायरेक्टली मसाले डाल सकते हैं आप चिकन में, बट मैं जल्दी में बना रही थी इसलिए मैंने अलग से ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया और इसमें प्याज का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था अब मैं उसे डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और इसे भुनना है हमें, ज़्यादा नहीं भुनना है, बिल्कुल रेड नहीं करना है, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देना है, बस थोड़ी देर के लिए हमें इसे पकाना है ताकि इसका जो कच्चा पैन है वो बिल्कुल निकल जाए। तो ये देखिए, तो ये देखिए कच्चापन निकल गया। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा था वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है और इसे फिर अच्छे से मिक्स करके हमें भुनना है थोड़ी देर के लिए, और फिर ज़ीरा का पाउडर, धनिया और ज़ीरे का पाउडर डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसे भुन लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे भुन चुका है, अब देखती हूँ चिकन का क्या हाल है। ये देखिए दही में ये बिल्कुल पूरी तरह से कर्ड में अच्छे से ये पक चुका है अब, और चिकन गल भी गया है बहुत अच्छे से। तो इसे अच्छे से स्टर कर लेना है और इस तरह से तैयार कर लेना है इसे। तो अभी और थोड़ा सा इसे होना बाकी है बिल्कुल, और ये मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमने डालना है, ये देखिए बिल्कुल मसाले भुन चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं, ये देखिए जो मैंने जो काजू का पेस्ट तैयार करके रखा था ना
वो हमें इस जगह पे डाल देना है। और इससे अच्छे से पहले हम लोग इसलिए नहीं डालते कि काजू जो है वो जल्दी जो पैन होता है ना उसमें चिपकने लगता है, इसलिए मसाले को अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप इस चिकन को सारा कुछ मैरिनेट करके एक ही बार आप पैन में बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हटकर तरीका मैं बता रही हूँ आपको। आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये मैं जो पहला तरीका वो बता रही हूँ। दूसरे तरीके के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जो और भी आसान हो जाएगा, इस तरह का झमेला नहीं होगा। तो मैं अभी इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए जो काजू का पेस्ट है वो डाल दिया मैंने, और ये देखिए अब उबाल आ चुका है बहुत अच्छे से, और इसे हमें और 2 से 3 मिनट पकने देना है। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है, और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी वो भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, किसी को कम पसंद है किसी को ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, यानी कि गोलकी का पाउडर, बिकॉज़ आप इसमें डाल सकते हो वाइट पेपर पाउडर, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो मैंने काली मिर्च से काम चला लिया, क्योंकि बहुत जल्दी में बना रही थी मैं। और वाइट पेपर अगर आप डालोगे तो उससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, और कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा मसाले का, बिल्कुल वाइट ग्रेवी तैयार होगी। तो ये ग्रेवी तैयार होगी थी हमारी, और चिकन भी तैयार थी माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है उस मसाले को भुनने के बाद चिकन वाले पैन में, ये आप देख सकते हो। और चिकन माशाल्लाह क्या लग रहा है, इसे देखकर तो मेरी भूख ही बढ़ रही है, और मैं खाने वाली हूँ अभी। और आप लोगों को इसका टेस्ट मैं तो नहीं करा सकती, बट मैं यकीनन आपको बता सकती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर पिघला कर डाल रही हूँ, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे इसका टेस्ट और भी लाजवाब आ जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो ये देखिए हमें अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है, और बिल्कुल मसाले के साथ चिकन बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, पक जाए, तो इसका टेस्ट और भी माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था ताकि ये पके थोड़ा सा चिकन और। तो ये देखिए अभी आधा पक ही चुका है, तो अब हम इसे स्टर करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब धनिया पत्ता से मैंने गार्निशिंग कर ली यहाँ पर, और ये रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। आपको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर अपने फीडबैक दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो ये देखिए ये काफ़ी डिलीशियस है, इसका टेस्ट तो जो है वो खाने के बाद ही पता चलेगा, बट यकीन जानिए कि ये बहुत ही अच्छी बनी है, और आप भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। और दूसरा वाला जो मेथड है ना, मैं वो उसे भी बताने वाली हूँ आपको, दूसरी रेसिपी मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग में। तो कभी कभी ब्लॉग में ये सब भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड्स हैं ना, जो लेडी फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी पसंद करती हैं, और रेसिपी तो उन्हें बनाना काफ़ी अच्छा ही लगता होगा, जो भी हाउसवाइफ होती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी सिल्की स्मूथ और इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है ना, कि इसकी खुशबू से ही पेट में भूख जाग रही है। माशाल्लाह इसे देखकर ही भूख काफ़ी तेज़ हो गई, और जल्दी खाने वाली हूँ मैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।